हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम फोटो केमिस्ट्री का सेकंड नंबर का नोट्स देखेंगे, जिसका नाम है प्रकाश सुग्राहीकरण, या जिसे हम कहते हैं फोटो सेंसिटाइजेशन। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले जो है वो इसका डेफिनेशन बताऊंगी, देन इसके बाद हम इसके काफी सारे एग्जाम्पल के थ्रू इसे अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, और काफी इजी सा टॉपिक है गाइस ये। इसके अलावा फोटो केमिस्ट्री के और भी नोट्स आप लोगों को फोटो केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में जो है वो मिलेंगे, चेक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करूंगी। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, फोटो केमिस्ट्री। फोटो केमिस्ट्री मतलब होता है प्रकाश रसायन। लाइट के इफेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, कोई भी रिएक्शन में जो है वो प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, रेडिएशन का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, उन सारी चीजों की जो हम स्टडी करते हैं उसे हम फोटो केमिस्ट्री कहते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है फोटो सेंसिटाइजेशन। इसमें क्या होता है, देखिए कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट है ए प्लस बी, तो ये पदार्थ जो है वो लाइट का इनमें जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम इसे रेडिएशन के प्रभाव में रखें, सनलाइट के इफेक्ट में, या फिर किसी भी लाइट के इफेक्ट में रखते हैं, तो इस पे जो है वो अभी कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ रहा है। मतलब सारे पदार्थ पे जो है वो लाइट का इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही अगर हम इस रिएक्टेंट में कोई ऐसा पदार्थ मिला देते हैं या फिर कुछ ऐसा चीज मिला देते हैं, मतलब इसके बाद अगर हम इसे रेडिएशन के प्रभाव में रखते हैं, तो ये आसानी से जो है वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब इससे ये प्रूव होता है कि सारे पदार्थ जो है वो लाइट के प्रति जो है वो सेंसिटिव नहीं होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम किसी एक्स्ट्रा पदार्थ को ऐड कर देते हैं, तो अब जो है वो यहाँ पे रेडिएशन का प्रभाव जो है वो ये दिखाने लगते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे समझाने का मेरा मतलब यही है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें सामान्य तथा प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव से कोई प्रकाश रासायनिक परिवर्तन जो है वो नहीं होता है। मतलब पहले कंडीशन में हम लोगों ने ये जाना कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जहां पे अगर हम इसे रेडिएशन के इफेक्ट में रखते हैं, तो भी उससे रिलेटेड जो भी एनर्जी है इस पे जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन इसी पदार्थ में अगर हम कोई ऐसा पदार्थ मिला देते हैं जिसके थ्रू अब जो है वो यहाँ पे हमारा जो भी रेडिएशन है उसका इफेक्ट इस पूरे रिएक्शन पे जो है वो पड़ने लगता है, तो यही आपका जो है वो फोटो सेंसिटाइजेशन कहलाता है। चलिए इसका डेफिनेशन आप देखिए, देन उसके बाद आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें सामान्य तथा प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव से कोई भी प्रकाश रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। मतलब यहाँ पे फोटो केमिकल चेंज जो है वो नहीं होता है, परंतु कुछ दूसरे पदार्थों के साथ में प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से रासायनिक परिवर्तन जो है वो प्रदर्शित करते हैं। इस तरह की घटना को प्रकाश सुग्राहीकरण या प्रकाश संवेदीकरण या फोटो सेंसिटाइजेशन कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? जैसे ही हम लोगों ने इसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिलाया, तो ये क्या हुआ, जो भी यहाँ पे रेडिएशन हो रहा है उसको ये अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, और ये इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद, अवशोषित करने के बाद, यहाँ पे जो है वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसे हम लोग जो है वो फोटो सेंसिटाइजेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? मतलब दूसरे पदार्थों के साथ प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से, मतलब जो भी लाइट से जो भी एनर्जी मिल रहा था उसके एब्जॉर्प्शन से जो है वो वहां पे केमिकल चेंज जो है वो होने लगता है। तो इस तरीके की जो घटना होता है उसे हम जो है वो फोटो सेंसिटाइजेशन कहते हैं। तथा प्रकाश ऊर्जाओं का अवशोषण करने वाले पदार्थ जो है वो फोटो सेंसिटाइजर कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो हम लोगों ने एक्स मिलाया है, मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे कोई एक्स मिलाया हुआ है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, अब ये रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो जो पदार्थ हम मिलाएंगे, जो कि इस जो भी लाइट से जो भी एनर्जी आ रहा है, जो उसको इस एनर्जी को जो पदार्थ जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे, इसी पदार्थ को जो है वो हम पदार्थ सुग्राही कारक या फिर फोटो सेंसिटाइजर जो है वो कहते हैं। क्लियर हुआ? इस प्रकार की प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को हम जो है वो प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया या फिर फोटो सेंसिटाइज रिएक्शन कहते हैं। मतलब इस प्रकार का जो भी आपको रिएक्शन देखने को मिलता है, जहां पर लाइट के इफेक्ट के कारण कोई रिएक्शन जो है वो संचालित होती है या फिर कोई रिएक्शन जो है वो कंडक्ट होता है, उस टाइप का जो रिएक्शन होता है उसे हम जो है वो फोटो सेंसिटाइज रिएक्शन जो है वो कहते हैं। फोटो सेंसिटाइज रिएक्शन या फिर प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं कहते हैं। तो क्लियर हुआ आपको फोटो सेंसिटाइजेशन क्या कहलाता है? तो देखिए इसके पीछे आप लोगों को मैं मैकेनिज्म बता रही हूँ कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। यहाँ पे आपने देखा हम लोगों ने कोई फोटो सेंसिटाइजर जो है वो यहाँ पे मिलाया। पहले कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि अभी इस पे लाइट का जो भी एनर्जी मिल रहा था उससे इस पर जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन हम लोगों ने जब इस प्रकार का फोटो सेंसिटाइजर मिलाया, तो यहाँ पे ये हुआ गाइस कि यहाँ से लाइट का जो भी रेडिएशन आ रहा है
उनसे जो है ये ऊर्जा को जो है वो ग्रहण करते हैं। क्लियर हुआ? यहां से लाइट के जो भी रेडिएशन है, वहां से जो भी एनर्जी मिल रहा है, वो ये फोटोसेंसिटाइजर जो है वो ग्रहण करते हैं। उसके बाद ये अपनी एनर्जी को जो है वो इस रिएक्टेंट को जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब ये जो फोटोसेंसिटाइजर होते हैं वो एक प्रकार के एनर्जी को ट्रांसफर करने का वर्क जो है वो करते हैं। पहले क्या किया इन्होंने, इस लाइट से जो है वो एनर्जी को अपने अंदर जो है वो ग्रहण किए, और ग्रहण करने के बाद इन्होंने अपनी जो भी एनर्जी है जो कि इन्होंने लाइट से ग्रहण किया हुआ था, उस एनर्जी को जो है वो ये इस रिएक्टेंट की तरफ जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। अब क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट है उस एनर्जी को यूज करके अपनी जो भी रिएक्शन है, मतलब ये अब क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अब एक्टिवेट होने के बाद जो भी आगे का रिएक्शन है, अब ये जो है वो चलता है। तो चलिए इसी चीज को जो है वो आप आगे लिख लीजिए। और देखिए, अगर फोटोसेंसिटाइजेशन का डेफिनेशन आता है तो इतना थोड़ा सा लेंथी डेफिनेशन है, ये आपको जो है वो लिखना होगा। तो यहाँ पे आप जो है वो कुछ कुछ पॉइंट आगे लिख सकते हो। फोटोसेंसिटाइजर का मेन वर्क ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। मतलब ये जो आपका फोटोसेंसिटाइजर होता है जो कि ऊर्जा को ग्रहण करने का काम करता है, इसका मेन काम जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करने का होता है, मतलब ऊर्जा स्थानांतरण का होता है। ये फोटोसेंसिटाइजर प्रकाश को अवशोषित कर उत्तेजित हो जाता है तथा बाद में ऊर्जा को किसी रिएक्टेंट में स्थानांतरित कर देते हैं। मतलब ये जो आपका फोटोसेंसिटाइजर है, पहले इस लाइट से जो भी एनर्जी आ रहा है उसको ग्रहण करके, मतलब उसको एक्सेप्ट करके एकदम ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं। उसके बाद अपनी एनर्जी को ये इस रिएक्टेंट को जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं, और उसके बाद ये रिएक्टेंट उस एनर्जी को जो है वो एक्सेप्ट करके आगे का जो भी रिएक्शन है उसे कंडक्ट करते हैं, फिर संचालित हो जाते हैं, जिसके कारण रिएक्टेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर कोई रिएक्टेंट एक्टिवेट हो जाता है, मतलब कोई भी रिएक्शन जो है वो प्रोसेस में आ गया। तो बहुत सारी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहला है फोटोसेंसिटाइजेशन बाई मर्करी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, Hg+H2 सनलाइट के इफेक्ट में 2H+Hg बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये जो Hg है जो कि फोटोसेंसिटाइजर है, अब ये Hg क्या करेंगे, सनलाइट से जो है वो एनर्जी को ग्रहण करेंगे, मतलब ऊर्जा को इस सनलाइट के थ्रू जो है वो ग्रहण करेंगे और एक्टिवेट, मतलब ये जो है वो एक्साइटेड हो जाएंगे या फिर उत्तेजित हो जाएंगे। उत्तेजित क्यों हुए, ये एक्साइटेड क्यों हुए, क्योंकि इनको एनर्जी मिल गया है, मतलब यहां से सनलाइट से इनको जो है वो एनर्जी मिल गया इस रेडिएशन के थ्रू, तो ये अब जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होने के बाद अपनी जो भी एनर्जी है वो इस H2 को जो है वो ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये अपनी एनर्जी को H2 को जो है वो ट्रांसफर कर दिए, तो H2 में जो है वो H2 जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब H2 जो है वो एक्टिवेट हो जाने के बाद जो है वो अपने आगे का जो भी रिएक्शन है उसे जो है वो, मतलब H2 जब ये जो जब है एक्टिवेट होते हैं तो जो भी रिएक्शन है वो अब कम्प्लीट हो जाता है, मतलब 2H जो है वो यहाँ से होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन में कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा यहाँ पे जो भी फोटोसेंसिटाइजर होता है, जैसे कि यहाँ पे फोटोसेंसिटाइजर क्या है, Hg है, जब हम लोगों ने Hg को H2 में मिलाया है तभी ये रिएक्शन हमारा जो है वो कम्प्लीट हो पाया है। मतलब ये Hg हमारा फोटोसेंसिटाइजर है, अगर हम लोग Hg को नहीं मिलाते यहाँ पे तो मे भी ये प्रोसेस जो है वो, ये रिएक्शन जो है वो नहीं होता। तो यहाँ पे मेन हमारा Hg है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं फोटोसेंसिटाइज्ड बाय मरकरी, मतलब मरकरी के द्वारा प्रकाश सुग्राहीकरण की क्रिया। अब देखिए फोटोसेंसिटाइजेशन बाय जीनॉन, जीनॉन के द्वारा कैसे प्रकाश सुग्राहीकरण की क्रिया होती है। जीनॉन यहाँ पे सनलाइट के जो भी रेडिएशन का जो भी एनर्जी मिल रहा है, जो भी ऊर्जा मिल रहा है, उसको एक्सेप्ट करके यहाँ पे ये जो है वो एक्साइटेड होते हैं। उसके बाद जो है वो ये अपनी एनर्जी को इस H2 को प्रोवाइड करते हैं, और फिर आपको यहाँ पे H2 जो है वो दो भाग में जो है वो टूट जाते हैं, मतलब यहाँ पे जो भी रिएक्शन है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो जीनॉन के थ्रू कैसे प्रकाश सुग्राहीकरण की क्रिया जो है वो कंप्लीट होती है। आगे एक और एग्जांपल आप देख लीजिएगा इस फोटोसेंसिटाइजेशन इन सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में कैसे फोटोसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे HCOOH है, जब तक हम लोगों ने इसमें UO2 ये हम लोगों ने यहाँ पे नहीं मिलाया तब तक इस पे जो है वो लाइट का कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ रहा था। बट जैसे हम इसको जो है वो मिलाते हैं UO2++, यहाँ पे आपको चार्ज दिख रहा है, जैसे हम इसको मिलाते हैं क्या करते हैं, लाइट से अपनी एनर्जी को ग्रहण करके जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं। उसके बाद अपनी एनर्जी को जो है वो इसे डोनेट कर देते हैं। एनर्जी को यहाँ से ट्रांसफर करने के बाद इनमें जो है वो हमें रासायनिक रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन है वो देखने को मिलता है। देखिए यहाँ से H2 और CO2, CO के मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन में भी हमें जो है वो फोटोसेंसिटाइजेशन का जो भी मैकेनिज्म रिएक्शन है वो हमें देखने को मिलता है।
तो समझ में आया गाइस, फोटोसेंसिटाइजेशन काफी इजी सा टॉपिक है गाइस। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें सामान्य तथा प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव से कोई प्रकाश रासायनिक परिवर्तन पहले नहीं होता है, परंतु कुछ दूसरे पदार्थों को ऐड करने के बाद वहां से प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से कोई भी केमिकल चेंज जो है वो होता है। इसी घटना को हम फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक भी आपको समझ आया होगा, और ये टॉपिक आपको समझ आया कि नहीं आप मुझे नीचे जो है वो कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।